हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम एमसीक्यूज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर 5 क्लास 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेचुरल गैसेज मोस्टली तो कौन कौन सी इसमें जो ऑप्शंस दे रहे हैं, फर्स्ट है ऑक्सीजन, सेकेंड इज हाइड्रोजन एंड अमोनिया एंड मीथेन। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है, ए बी सी डी। यानी कि नेचुरल गैस जो मोस्टली होती है, मतलब मोस्टली नेचुरल गैसेस में जो गैस प्रेजेंट होती है वो मीथेन होती है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोल मेनली कंटेन्स तो कोल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दे रहे हैं वुड, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। एंड लास्ट इज नन ऑफ अबव, नन ऑफ द अबव। एक चीज कंफर्म हुई थी पहले कि हमने ये पढ़ा था कि कोल में मेनली कौन कौन सी गैसेस मिलती है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, बट नाइट्रोजन तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ऑक्सीजन पढ़ा था ना, तो कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पढ़ा था, तो इसमें भी डी ऑप्शन ही राइट है, ठीक है। फिर बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट ऑन बर्निंग। कौन सी ऐसी चीज है, मतलब कौन सी ऐसी एनवायरमेंट में कौन सी ऐसी थिंग है, अगर उसको हम बर्न करें मतलब जलाएं तो वहां पर पॉल्यूशन ना हो। उनमें से ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं, वुड है, केरोसिन है एंड कोल है और बायोगैस है। तो इसका भी जो एमसीक्यूज का आंसर है वो डी वाला ही राइट होगा, क्योंकि बायोगैस ही एक ऐसी चीज है इन चारों ऑप्शन में से जिसे जलाने पर पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। धुआं तो होता है, मतलब स्मोक तो होता है, बट नॉट फॉर हार्मफुल इफेक्ट फॉर एनवायरमेंट, ठीक है। उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है। एंड द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, मतलब कोई ऐसा फ्यूल सॉलिड फ्यूल है नेचुरली हमें मिलता है। एग्जाम्पल ऑप्शन में दिए गए कोल है, कोक है, चारकोल है एंड एलपीजी है, ठीक है। तो थर्ड वाले का ऑप्शन भी डी राइट है, आंसर है बायोगैस, जिसमें से हमें ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शन नंबर डी राइट है थर्ड वाले का। एंड लास्ट इज द नेचुरल सॉलिड फ्यूल इज, एक ऐसा फ्यूल जो हमें नेचुरली फाउंड हो, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में हो, तो उस फ्यूल वो कौन सा फ्यूल है। ऑप्शंस में बताए थे कोल है, कोक है, चारकोल है एंड एलपीजी है। तो एलपीजी जो होती है वो गैस फॉर्म में होती है, चारकोल जो होता है वो सॉलिड तो होता है, कोक भी सॉलिड होता है, बट नॉट फाउंड नेचुरली, ठीक है। आफ्टर जब इसको कोल को बर्न करते ना, जब अलग अलग स्टेजेस पर बर्न करते तो इनमें इस टाइप के कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कोल तो बोल सकते हैं, कोल तो हमें डायरेक्टली मिलता ना रॉक्स फॉर्म में, तो इसका भी ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए राइट है, यानी कि कोल। तो ये है आपके एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के। तो क्लियर कर लेना क्या कंडीशन है। फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि नेचुरल गैस जो होती है वो मोस्टली हमें कौन कौन सी नेचुरल गैस मिलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन। तो नेचुरल गैसेस में जो गैस होती है वो होती है मीथेन। एंड सेकेंड इज कोल मेनली कंटेन्स, कोल के अंदर मेनली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मतलब कौन कौन सी गैसेस होती है, ठीक है। तो कार्बन होता है नहीं, मतलब कार्बन तो होता है बट ओनली कार्बन नहीं होता ना, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होता, ऑक्सीजन भी होता, ठीक है। एंड इनमें से कुछ नहीं है, नाइट्रोजन है नहीं, सल्फर है नहीं, बट ऑक्सीजन होती है। लेकिन
कार्बन की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है कोल के अंदर, एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कम होती है। बट ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के तीनों साथ नहीं दिए गए तो इनमें से नन ऑफ द एबव मतलब कोई भी नहीं है, ठीक है। थर्ड में इन्होंने पूछा है कि ऐसी कोई गैस जिसको जलाने पर, यानी कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस ऐसा जिसको जलाने पर पॉल्यूशन क्रिएट ना हो, जो इन्होंने ऑप्शन दिए है उसमें ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस। अगर बायोगैस को जलाएंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा, स्मोकिंग होगी, स्मोक होगा बट नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है। फोर्थ में ये पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा सॉलिड पार्ट, ठीक है, कोई ऐसा सॉलिड पार्ट जिसको अगर हम बर्न करें तो वहां पर कोल जो है नेचुरली मिले, ठीक है, उसको बर्न करने के लिए एज अ फ्यूल हम यूज करें वो हमें नेचुरली मिले, तो कोल ही एक ऐसा पार्ट है जो हमें नेचुरली फाउंड होता है, मतलब किसी सिंथेटिक तरीके से, मतलब किसी भी, इसे कहीं से भी सिंथेसाइज नहीं किया जाता, ठीक है। कोल जो हमें नेचुरली फॉर्म में मिलता है और इसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, क्लियर।